इनाम रखा गया है। तुम्हें यार शर्मानी चाहिए, क्या कह रहे हैं विभूति? सुनिएगा, कुल को डुबो रही कैसे बेटी यह, और ये हवस की नियत दीख रही यह। और जनता इन बातों पर ताली बजाती है तुम्हारी तरह नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, तुमसे एक जवाब नहीं लिखा गया, घंटों हो गए टाइम पास कर रहे हो, केवल बजा के केवल चाय का इंतजार कर रहे हो। ये हवस की नियत दीख रही, अरे उस 3 साल की बेटी को देख करके ये भारत माता चीख रही है। और तुम्हारे लिए तो एक काम कर दिया जाए, तुम जैसे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए है क्या, इन सैतानों की नजर गंदी है, इनकी आंखों को फुड़वा दो। 3-3 साल की बेटियों से कह रहे हैं, ये कुलकोट हो रही है, इन सैतानों की नजर गंदी है, इनकी आंखों को फुड़वा दो, पीछे रुख को तुम मुड़वा दो, इनका रिश्ताइयों छुड़वा दो, कि दही छिड़क के इन सैतानों पे तुम सरकारी कुत्ते छुड़वा दो। इसी लाग है बेटा, ये जवाब दे रहे हैं साहब, प्यार दुलार हो रहा है। मैं कह रहा था हे यज्ञ हवन की रथ तोपो अग्यारी मथुरा है, कौन सा कारण तीनों लोक से न्यारी मथुरा है। आप कह रहे हैं मथुरा 3 लोक से न्यारी नहीं है, काशी है। क्रोधी गुरु फिर तुम्हारी भूल है, ये दावा है पूरे भारतवर्ष में केवल मथुरा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन पहले मनाई जाती है। अभी तुम्हें नॉलेज है मेरा, पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में एक दिन पहले मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है अगर मथुरा न्यारी नहीं है तो? काशी में क्या मनाया जाता है बताओ? ये जवाब नहीं होते तुम्हारी तरह, जभी तो हम कह रहे थे बहुत बुरे फंसे हो आज तुम। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तुम जवाबी कीर्तन की विधा को भूल रहे हो, पहले कटपीस का जवाब दिया जाता है, पहले गीत का जवाब दे रहे हो यार। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक तो तीन हो जाती है, एक दो तीन हो जाती है। बहुत सुंदर कटपीस है और ये भी मालूम है किसका है, होता पे चाबुक होता पे लाली हाथों में चाबुक, ऐसे ही है ना, अब हंसे हाथों में चाबुक होठों पे लालिया बड़ी नखरे वालिया होती है तांगे वालिया, तांगे वाली। समय को देख करके हमें पता है कौन कितना क्या गाने वाला है, जवाब के मामले में निल बट्टा निल, लिख लेना आज जीरो बट्टा जीरो, ना तुम पहले लिख पाए ना अब लिख पाओगे ना आगे लिख पाओगे, केवल घर बैठ के तख्त पर लिख सकते हो, यहाँ तख्त पर नहीं लिख सकते हो। कौशल भाई कह रहे थे राइटर नहीं लाए हो, और राइटर और फाइटर की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। अब ये तो मैया जाने के राइटर क्या करेगा यहाँ। अब कह रहे थे अहिल्या और वृंदा की मिलती कहानियां, दोनों
सती नारियां तो दोनों की निशानियां। कोई नारी नर को जब पत्थर बनाती है तो नर पे सवार हो जाती है। नारी की बात चल रही, नारी जब पत्थर बनाती है नर पे सवार हो जाती है। वो त्रेता सत्युग था, लेकिन अब देखना जवाब कैसे आ रहा है और इसी कलयुग से आएगा। और जनता की एक एक आदमी की ताली बज जाए तो जवाब मान लेना, अन्यथा तुमसे क्या कहूं। कुछ मत कहो बेटा। अरे इधर है यशोदा तो उधर माता जानकी। हम जब गलती निकाल रहे हैं चाहे बाबूलाल राजपूत का गीत हो, सबू हलचल का हो, जब गलती है तो गलती है। बेटा भूत भगवान है, यूट्यूब देख रहा है, गवाह है बेटा, सबू दादा सुनेंगे तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएंगे। अरे इधर है यशोदा तो उधर माता जानकी। अरे दोनों की है रचना देखो विधि ये विधान की। त्रेता में नारी को जब नर छोड़ देता है तो भगवान राम ने सीता जी को छोड़ दिया। उस त्रेता युग के अंदर आप नर और नारी की बातें कर रहे थे, सुनिएगा। त्रेता में नारी को जब नर छोड़ देता है तो मर्यादा का फेम बन जाता है। त्रेता में नारी को नर छोड़ देता है तो मर्यादा का फेम बन जाता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो मर्यादा का फ्रेम बनाया, क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा थे, इसलिए धोबी के कहने पर भगवान राम ने जानकी को छोड़ दिया। अरे त्रेता में नारी को कर नर छोड़ देता है तो अरे मर्यादा का फेम बन जाता है। और मैं उस यशोदा की बात कर रहा हूँ, उस यशोदा की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ कन्हैया की माँ जो यशोदा उनकी नहीं कह रहा हूँ, मैं यशोदा बहन की बात कर रहा हूँ। इधर जानकी को भगवान राम ने छोड़ दिया, इधर यशोदा बहन को कलयुग में। बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद आपका। त्रेता में नारी को जब नर छोड़ देता है तो मर्यादा का फेम बन जाता है। लेकिन इस कलयुग में, अरे कलयुग में नारी को जब नर छोड़ देता है तो देश का पीएम बन पता नहीं तुमको न जाने कैसे बुला लिया 2 वर्ष से लगातार। अपना कुछ है नहीं, ये सब बेटा जुगाड़ से हो रहा है। कौशल भैया ये लोह चले हैं, तरल नहीं है, इस जैसी है गरल नहीं है, जब जी चाहा जो लिख डाला, कविता इतनी सरल नहीं है। ये कीर्तन बाजी में मैंने और नाय से हो काऊ को ऐलान। अरे कृपा मेरे ऊपर करी सो मेरे पुरुषोत्तम भगवान। कलयुग में नारी को जब नर छोड़ देता है तो देश का पीएम बन जाता है। 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 देश का पीएम बन जाता है।